कत्ल यानी मर्डर, कातिल यानी मर्डरर। और कत्ल ही से बनते हैं दो और वर्ड्स, मक्तूल यानी जिसका मर्डर हुआ है और मक्तल यानी जिस जगह कत्ल हुआ है। लेकिन इन तमाम वर्ड्स को उर्दू शायरी में मोहब्बत से जोड़ा गया है। अब आप सोचेंगे कैसे, बता रही हूँ ना मैं। उर्दू में वर्ड कातिल महबूब के लिए भी इस्तेमाल होता आया है। उर्दू पोएट्री में मोहब्बत की बात शायर एक एक्सीडेंट के तौर पे करते हैं, और एक्सीडेंट भी ऐसा वैसा नहीं, एक्सीडेंट भी ऐसा कि जो आदमी को बिल्कुल माजूर करके यानी हाथ पैर तोड़ के बर्बाद करके छोड़ दे। फाखरा बतूल के एक नज़्म का इनफैक्ट टाइटल ही यही है, मोहब्बत हादसा है। सुनिए, मोहब्बत हादसा है, हादसे से बच निकलने की कोई तदबीर कर लो, इससे पहले ख्वाब हो जाओ। जिसे हम हादसा कहते हैं, जीवन को घड़ी भर में मिटा कर खाक करता है, कोई इल्जाम धरता है, कभी माजूरियों के जाल में कैदी बनाकर छोड़ देता है, ये बंधन तोड़ देता है। मोहब्बत हादसा है, हादसे से बच निकलने की कोई तदबीर कर लो, इससे पहले खाक हो जाओ। मोहब्बत एक ऐसा एक्सीडेंट है जो एक ही पल में जिंदगी तबाह कर देता है, तो इससे पहले तुम खुद ख्वाब हो जाओ, कोई तदबीर कर लो, तदबीर यानी कि सोल्यूशन, कोई उपाय कर लो इससे पहले कि ख्वाब हो जाओ। अब ख्वाब कौन बन जाता है, मतलब कोई हमें ख्वाबों में कब दिखता है? जब किसी से मिले हुए बहुत वक्त हो जाता है, जब कोई मर जाता है। फिर शकील बदायूनी का शेर भी अपने महबूब के लिए है, जब वो कह रहे हैं कि तेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतमाम देखा, तेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतमाम देखा, कहीं जिंदगी की बारिश कहीं कत्लेआम देखा। उफ, अंजुमन यानी कि महफिल, यानी तेरे आगे पीछे घूमने वालों की जो महफिल है उसमें हमने ये एहतमाम देखा, ऐसा अरेंजमेंट देखा है कि कहीं जिंदगी की बारिश हो रही है और कहीं कत्लेआम देखा, कहीं कत्लेआम हो रहा है, जिससे कि तू बात कर लेता है, जिसे अटेंशन दे देता है अपनी उस पे जिंदगी की बारिश, लेकिन जिसे इग्नोर कर देता है उसका कत्लेआम हो जाता है। सो माई डियर कातिल, यू शुड नो दैट आई एम ऑब्सेसिंग ओवर यू एंड नाउ आई थिंक आई एम डूम्ड। लेकिन जब वर्ड कत्ल को पॉलिटिकल सिचुएशंस में इस्तेमाल किया गया तो इनकलाब की आवाज बन गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी यानी कि रिबेलियन, रिबेलियन भी इस तरह का कि जान की बाजी तक लगाने को शायर तैयार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अपनी जान कुर्बान करने की तमन्ना मेरे दिल में है, बस अब देखना इतना है कि बाजुए कातिल में कितना जोर है। Now all that needs to be seen is how powerful the perpetrator is going to be. एक और एग्जांपल सुनाती हूँ। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जब 15 अगस्त पर मुशायरा हुआ तो इंदिरा गांधी भी उसमें आई। तब उनके सामने उर्दू के शायर कलीम आजिज ने ये शेर पढ़ा था, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। करामात इज मिरेकल, यानी दामन पे कोई छींट नहीं है, खंजर पे कोई दाग नहीं लगा है, कोई मर भी गया है लेकिन उसके कत्ल का कोई सबूत नहीं। यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो। मदारात यानी पोलाइटली बात करना। यूं तो कभी मुंह फेर के देखते भी नहीं हो, लेकिन जब वक्त पड़ता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, अपना मतलब होता है, तो हमसे मदारात करते हो, नरमी से बात करते हो, ये बताओ कि कत्ल किया है कि करामात किया है। लेकिन ऐसे में साहिर लुधियानवी का शेर भी याद आता है, हमेशा याद रखना चाहिए इनफैक्ट, जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। यानी कातिल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो कत्ल कर डालिए इस लाइक बटन का, नहीं बहुत ज्यादा हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस यही करना है और कुछ नहीं करना।